इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। अहबाब गिरामी, आज के हमारी ये आपसे गुफ्तगू जो है लैलतुल क़द्र के बारे में है। लैलतुल क़द्र की फजीलत, इज़्ज़त, शान और बरकत क्या है? लैलतुल क़द्र की फजीलत क्या है? इसकी फजीलत सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की एक पूरी सूरत लैलतुल क़द्र के फजीलत के ऊपर सूरह क़द्र के नाम से नाजिल फरमाई है। ये लैलतुल क़द्र की फजीलतों में से एक फजीलत है। लैलतुल क़द्र में क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के लिए इसमें जो खैर और बरकतें रखी हैं, इस एक रात के अंदर फरमाया कि लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया। लैलतुल क़द्र वो रात है कि जिसमें फरिश्ते इस कदर ज्यादा नाजिल होते हैं कि जमीन पर जरा बराबर भी जगह बाकी नहीं रहती है। लैलतुल क़द्र वो रात है कि जिसमें हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से 70,000 फरिश्तों के साथ जमीन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों के अंदर खैर और बरकात को तकसीम फरमाते हैं और ये सिलसिला सुबह तक ये बाकी रहता है। और सुबह को जब वो वापस जा रहे होते हैं तो एक दूसरे को वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आज की शब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मद के लोगों को माफ़ फरमा दिया है और उनकी बख्शिश फरमा